कल ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ किया और क्या प्रश्न था और क्या उत्तर था पूजा सिंघल का, आइए हम आपको सुनाते हैं। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल ने खुद को निर्दोष बताया है। पूजा सिंघल से पूछताछ की शुरुआत खूंटी जिले के बहुचर्चित मनरेगा घोटाले से हुई है। मनरेगा घोटाले के वक्त पूजा सिंघल ही खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त थी। तब मनरेगा की योजनाओं में 18 करोड़ 6 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। उन्होंने ईडी के अधिकारियों को बताया कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक जांच समिति गठित की थी। जांच समिति ने उन्हें उक्त मामले में क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने बताया कि उस समय भी उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया था, उसी जवाब पर आज भी वह कायम है। जवाब की कॉपी राज्य सरकार से लेकर देखी जा सकती है। जब ईडी ने पूछा कि पूर्व में गिरफ्तार कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा ने बताया है कि 5% कमीशन उपायुक्त कार्यालय को पहुंचता था, इस पर पूजा सिंघल का कहना है कि क्या राम विनोद प्रसाद सिन्हा ने उनका नाम लिया था। इस मामले में उनके नाम को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वह इसमें कहीं नहीं थी। जब उनसे सवाल किया गया कि आप राम विनोद प्रसाद सिन्हा को बहुत प्रोटेक्ट करती थी, इतना आरोप लगने के बाद भी आपने उसे बचाने का प्रयास किया, इसके जवाब में पूजा सिंघल ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया। सिन्हा के खिलाफ शिकायत के बावजूद आपने क्या कार्रवाई की थी, इस पर पूजा सिंघल ने कहा कि वे फाइल देखकर ही आगे का कुछ बता सकती है, उस समय का फाइल देखना पड़ेगा। मंगलवार की देर रात तक सभी आरोपितों से ईडी ने पूछताछ की। पूजा सिंघल से जुड़े हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।